श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बाबा रामदेव जी के कुछ प्रसिद्ध घरेलू नुस्खे जो कमाल के हैं, वो शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा और वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जैसे यदि आपको डायबिटीज़ है, ये सारे जो नुस्खे हैं बाबा रामदेव जी के दिए हुए हैं, तो रात में मेथी के 25 से 30 दाने पानी में भिगा कर सुबह पानी पीजिए और भीगी मेथी जो है उसको आप चबा लीजिए। यदि आपको डायरिया हो गया है तो छाछ जो होता है, छाछ में नमक और जीरा मिलाकर पीजिए, या बेल को आग में भून कर खाइए, बेल की शरबत भी आप पी सकते हैं। यदि आपको टाइफाइड हो गया है तो 8 से 10 मुनक्का, 4-5 अंजीर और 1-2 ग्राम खूब कला, इन सब को पीस कर इसकी चटनी सुबह और शाम खाइए तो आपका जो टाइफाइड है वो कंट्रोल में रहेगा। फिर यदि आपको गैस की शिकायत है, गैस, तो रोज़ाना 1 गिलास छाछ में लवण भास्कर या फिर हिंग वाष्टक चूर्ण मिलाकर पीने से गैस की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगा। फिर मोटापे का तो इलाज भाई, रोज़ गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में गोमूत्र अर्क मिलाकर पीने से भी महीने में 2 किलो वजन घटा सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो तेल लगाकर मसाज करने से बालों की जड़ मजबूत होती है। कंडीशनिंग के लिए रात को तेल लगाकर सुबह शैम्पू कर लीजिए। फिर डैंड्रफ, खट्टे दही या छाछ में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करें और फिर धो लीजिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आधा आधा किलो गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग, 20 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम सफ़ेद तिल की दलिया बनाकर रेगुलर खाएं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। यदि आपको पाइल्स है तो 1 कप गाय के कच्चे ठंडे दूध में नींबू निचोड़कर तुरंत पी लीजिए, या चने के बराबर देसी कपूर किले में डालकर खाएं, तो आपकी पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थायराइड का प्रॉब्लम है तो 50 ग्राम त्रिकुट चूर्ण, 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी या गोदंती भस्म मिलाकर रखें, आधा आधा ग्राम शहद के साथ सुबह शाम लीजिए। तो ये सब चीज़ें बाबा रामदेव जी ने बताई हुई है, वही मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।